हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के CDP की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। बस यहीं पे आपका काम हो गया। जीववादी यानी कि एनिमिस्टिक व्यू, देखिए यहाँ से इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एनिमिस्टिक व्यू जो है वो रखता है और उसे बच्चे को लगने लगता है कि पेड़ पौधे या फिर चलता हुआ बादल, लुढ़कते हुए पत्थर, ये सब की भी जैसे इंसानों के मनसाए या इरादे होते हैं, इस तरह इनके भी मनसे या इरादे होते हैं। ऐसे आप थोड़ा बहुत समझे होगे क्वेश्चन को। अब मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, देखना कि उसे जब दीवार से चलकर चोट लग जाती है या कुर्सी से चोट लग जाती है या किसी खिलौने से उसे चोट लग जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बहलाने के लिए खिलौने को पीटते हैं और बोलते हैं कि मेरे बाबू को परेशान मत करना। तो बच्चा समझ जाता है, फुसल जाता है वो। तो इसे ही जो है बच्चा सच मान लेता है कि क्या सजीव क्या निर्जीव, दोनों में वो अंतर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इसे ही कहा जाता है जीववाद। तो देखिए, जीववाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस एज में बच्चे के आएगा, सेंसरी मोटर में आएगा, प्री ऑपरेशनल में आएगा, कॉन्क्रीट में आएगा या फॉर्मल में आएगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्री ऑपरेशनल। देखिए, सबसे पहला जो सेंसरी मोटर है, संवेदी चालक अवस्था हिंदी में, ये होता है 0 से 2। पहला वाला एज होता है 0 से 2। और प्री ऑपरेशनल जो होता है वो होता है 2 से 7। फिर अगला स्टेज जो आएगा वो 7 से 11। और लास्ट वाला जो होता है 11+ को कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर होगी बातें। ये 4 स्टेज को मैंने अच्छे से डिफाइन भी कर दिया। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम, देखिए नियम की बात की जा रही है, बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से यानी कि अलग अलग वेरियस रेट से जो है डेवलप करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखिए, विकास एक आयामी होता है यानी कि यूनिडायमेंशन, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। यूनिडायमेंशन हो ही नहीं सकता है। अगर आप एक ही तरफ से विकास हो तो सपोज कर लो कि अगर आपका जो है एक हैंड वो बहुत बड़ा हो जाए, दूसरा हाथ बहुत छोटा रह जाता, अगर एक वे में ये चलता तो यूनिडायमेंशन होता तो ऐसा होता, जो कि है क्या, नहीं है। तो ये तो अपना गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये क्या होता है, यह एक दिशा में चलने वाला होता है, बिल्कुल नहीं, एक दिशा में ये बिल्कुल नहीं होता है। ये भी होता है यूनिडायमेंशन यानी कि अलग अलग दिशाओं में होता है। आप अपने बॉडी के पार्ट्स देख लो, चारों तरफ से बॉडी पार्ट जो है डेवलप हो रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए अगला है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए बिल्कुल नहीं, विकास जब तक आप जीवित हो विकास आपका होता रहेगा। आप इंटेलेक्चुअल वे में बढ़ते जाओगे, जानकारियाँ मिलेगी, बुद्धि आपकी बढ़ती जाएगी, नए नए इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में गैदर होती जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो प्रोसेस है ये नहीं बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि अपना तीनों गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विकास की जो दिशा है वो अधोगामी और शीर्षगामी है। अब मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, इंग्लिश से आप रखना याद इसे, ठीक है। प्रॉक्सीमोडिस्टल यानी कि ये जो होता है ये होता है सेंटर से बाकी जगहों पे फैलता है, ठीक है, ऐसे आप याद रखना। और दूसरा क्या है, सेफालिकोडल, सेफालिकोडल जो होगा वो सिर से यानी कि ऊपर से जो है विकास नीचे की ओर होगा, टॉप टू टो भी से बोला जाता है, याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर विकास होना। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरा अवस्था। तो देखिए 2 से 6 साल वाले को अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन कहते हैं। प्रारंभिक बचपन में देखिए क्या क्या होता है, इस एज को ट्वाय एज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ट्वाय एज, यानी कि बच्चा यहाँ पे खिलौने से खूब खेलता है और उसे नए नए खिलौने भी चाहिए होता है। इस एज में बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है, बड़ों की नकल उतारता है। अब जब आप ऑफिस जाने की कोशिश करते हो तो देखना बच्चा भी जो है झूठ मूठ का बैग लेकर वो भी जो है घर में घर घर खेलता है और वहाँ पे वो ऑफिस जाता है और कुछ लोग खाना बनाते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, नकल करते हैं माँ बाप के। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रारंभिक बचपन में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आपका बहुत अप लेवल पे होगा, भाषा का विकास जो है बहुत अच्छे से होगा इसमें। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है।
देखिए, कोहल वर्ग ने 3 चरणों में अपने थ्योरी को बांटा था। तो ये जो थ्योरी है ना, वो कहाँ पे आएगी? वो आएगी प्री कन्वेंशनल थ्योरी में। प्री कन्वेंशनल थ्योरी में क्या बताया गया था कि बच्चा जो होता है वो 4 से 8 साल का होता है, ठीक है? और 4 से 8 साल में बच्चा क्या करता है, ये पनिशमेंट और ओबीडियंस, यानी कि उसे जो है डर लगा रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो पिटाई हो जाएगी। और दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बच्चा जो सोचता है कि अगर मैं माँ बाप के या फिर आसपास के बड़ों की आज्ञा, यानी कि उनके कहे हुए बात को मानूंगा तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। पनिशमेंट और ओबीडियंस वाली बात आती है यहाँ पे। देखिए, अब मैं कुछ और बात बता देता हूँ इसमें एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज़ कर लो कि घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और आप क्या करते हो, आप जो है अपने बच्चों को बोलते हो कि गेस्ट के बिस्किट या फिर कुछ चाय वगैरह नहीं लेनी है। और गेस्ट जिद करते हैं बच्चों को कि प्लीज़ ये बिस्किट ले लो, लेकिन बच्चा नहीं लेता है। इसका रीज़न क्या है कि घर वाले उसे बता दिया जाते हैं कि अगर तुमने बिस्किट लिया तो तुम्हारी पिटाई तय है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद, देखिए सेल्फ डायलॉग की बात हो रही है यहाँ पे, के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, किस वर्ड का इन्होंने जो है चुना है? निजी संवाद और प्राइवेट स्पीच। याद रखिएगा, इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच, हिंदी में निजी अनुवाद। यानी कि देखना, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे के अगर आप खिलौने तोड़ देते हो तो वो क्या करता है, वो अपने में जाके अकेले में बैठेगा और खुद से खुद बड़बड़ाता रहेगा कि मैं भी इसके कुछ सामान को तोड़ दूंगा तभी मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं, अगर आप सी टेट के अच्छे से तैयारी कर सकते हो तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको ले लेना चाहिए। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। 199 रुपये में आप ये हैंड रिटन नोट्स अवेल कर सकते हो। इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ आंसर की। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आप ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए सूचना समाप्त। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन, देखिए सीखने के लिए आकलन यहाँ से देख सकते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। 3 तरह से लर्निंग होती है, इन लर्निंग भी होती है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग किसे कहा जाता है, जब टीचर जो है सिखा रहा हो क्लासरूम में और बच्चा जो है सीख रहा हो क्लासरूम में, और इसी दौरान उसका असेसमेंट, टेस्ट ले लिया जाए, इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, उसे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉट पूछा गया है, याद रखिएगा। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लास में जब भी आपको असेसमेंट किया जा रहा है तो बच्चा सोचता है। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लास में जब आप बच्चों को सिखाते हो तो टीचर जो है क्या करता है, क्रिएटिव होकर चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल सही है ये। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पॉजिटिव था और ये रहा आपका नेगेटिव टर्म, बिल्कुल नहीं, ऐसा आप करते ही नहीं हो। आप कभी भी जो है बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, अगर लता मंगेशकर को बोल दिया जाता कि उसे जो है क्रिकेट खेलनी है तो लता मंगेशकर इतनी अच्छी सिंगर बन पाती क्या? अगर सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाता कि यू हैव टू बी अ सिंगर तो वो सिंगर बन पाते? सिंगर भी नहीं बन पाते ना क्रिकेटर बन पाते। तो तुलना करने वाली बात ही नहीं है। कोई अगर मैथ्स में अच्छा करता है तो हो सकता है कि उसका कोई और सब्जेक्ट वीक हो या किसी और सेक्टर में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हो, और हो सकता है कि जिसने मैथ्स में कम स्कोर किया है वो अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करे। तो दो चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, टोमेटो को पोटैटो से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। चलिए आंसर 3 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है? देखिए पूछा गया है कि मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने भी मातृभाषा का समर्थन किया था। विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। आप अपने बच्चों को क्या करोगे, स्टूडेंट को जो है मोटिवेट करोगे कि वो मदर टंग में ही बात करे, तो ये भी गलत हो गया आपका। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने का, बिल्कुल, देख लीजिए मल्टीलिंग्विज्म जहाँ भी दिखे आपको यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको क्लासरूम में क्या करना है, मल्टीलिंग्विज्म, अलग अलग भाषा को बढ़ावा देना है ताकि बच्चे भी एक दूसरे के भाषा से रूबरू हो सकें।
और अपनी बात रखने का तो फायदा होता ही है। तो फिलहाल राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे में दूसरे की नियति और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स, अदर्स की बात हो रही है, दूसरे के बारे में जान लेना उसे क्या बोलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है स्पाइशियल इंटेलिजेंस है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है। स्पाइशियल इंटेलिजेंस में क्या करते हो आप, इंजीनियर्स का एग्जाम्पल ले लो, जो कि बस एक छोटा सा प्लॉट देखते हैं और वहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ स्टेयर्स बनेंगे यानी कि सीढ़ियाँ बनेगी, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा। तो इसे बोला जाता है स्पाइशियल इंटेलिजेंस। तो ये तो फिलहाल होगा नहीं। दूसरा देखिए, इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, इंटरपर्सनल यानी कि जब आप एंटर करते हो दूसरे के लाइफ में, ताक झांक करते हो, दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, याद रखिए एंटर से उसे याद रख लेना। दूसरा क्या है, दूसरा है इंट्रा पर्सनल यानी कि आप खुद के बारे में जब ज़्यादा जानते हो उसे बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। तीसरा चौथा है नेचुरलिस्टिक यानी कि जब आप क्या करते हो, जब आप नेचर के प्रति जो है इंटेलिजेंस रखते हो कि ये पौधा इस मिट्टी में नहीं लगेगा, इस सीजन में ये पौधा नहीं लगाना चाहिए, बहुत तरह की बातें है। फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, देखिए यहाँ बोला गया है EWS के लिए केवल। देखिए जब भी आप CDP के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जहाँ आपको दिखे केवल काटिए क्वेश्चन को फटाफट। जहाँ देखिए, यहाँ देखिए सिर्फ लिखा हुआ है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे दिख गया ओनली ये भी कट जाएगा आपका। इसी तरह से देखिए तीसरा ऑप्शन में भी देखिए क्या बोला गया, केवल ओनली, यानी कि देखिए समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है, पहले ये समझा देता हूँ मैं। एक क्लासरूम है, यहाँ पे मोहित भी पढ़ रहा है, यहाँ पे सोनी भी पढ़ रही है, यहाँ पे जो है मोहित भी पढ़ रहा है, यहाँ पे राहुल भी पढ़ रहा है, यहाँ पे रिजवान भी पढ़ रहा है, यहाँ पे रोजी भी पढ़ रही है। लेकिन कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है, कोई बच्चा अमीर घर से आता है, कोई गरीब घर से आता है, और कोई बच्चा जो है हिंदी नहीं बोल पाता है, कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है, तो ऐसे माहौल को ही समावेशी शिक्षा के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ पढ़ें, उसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करोगे, बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं करना है। मैंने अभी लता मंगेशकर और सचिन का एग्जाम्पल दिया था, और एग्जाम्पल एक और दिया था कि मैथ्स वाले हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, और हो सकता है कि जो मैथ्स में अच्छा नहीं करता हो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा करता हो, इसी तरह से। तो ये राइट नहीं होगा। बच्चों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, बिल्कुल सही। आप पहले बच्चों को समझोगे इसकी क्या ज़रूरत है, इसे क्या तकलीफ हो रही है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पाठ्यक्रम तैयार करोगे, यानी कि आप बच्चों को अंडरस्टैंड करोगे, करिकुलम में मॉडिफाई करोगे। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया था। नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर इसका आंसर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।